अभूतपूर्व विजय। ये विजय जनता के प्यार और विश्वास की विजय, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत है। ये विजय बुधनी के सभी भाई और बहनों की जीत है, किसानों की जीत है, गरीबों की जीत है, भांजे भांजियों की जीत है और लाडली बहनाओं की जीत है, पूरे प्रदेश की बहनों की जीत है। वो तो कहती थी भैया अपन जीत रहे, वो ये कहती नहीं थी कि तुम जीत रहे हो कि भाजपा जीत रही है। जहां भी मैं जाता था भैया अपन जीत रहे हैं। जब बहने ये ठान ले और कहे कि अपन जीत रहे हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपकी कुशल रणनीति, जबरदस्त परिश्रम। गुरुजी ऊपर ही आओ ना, अब तो ऊपर ही रहना है अभी। आप सबने बहुत मेहनत की, पूरे परिवार ने, कार्तिकेय ने भी बहुत मेहनत आपके साथ, 1 लाख में योगदान है और डांटा और डांटने का काम इनने किया। लगाया ये देखो अपना प्यारा परिवार है, इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। हम अच्छे से काम करेंगे, सबकी सेवा। लच्छीराम जी बूढ़े शेरों इधर आ जाओ। लच्छीराम जी भी अपने बुजुर्ग हैं, बहुत वर्षों पुराने कार्यकर्ता है। मैं अंतर आत्मा से आपको कह रहा हूं, जनता की सेवा जिंदगी का मिशन है। लोगों की जिंदगी बदलना अपने जीवन का लक्ष्य है। मेरे मानव जीवन को प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण करके सफल बनाना ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। अपने लिए क्या है? जनता के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए, भाव विभोर होते हैं। कैसे हम जनता की जिंदगी को और बेहतर बना पाए? केवल बुधनी नहीं, पूरे प्रदेश की, और पहले से तय लाडली बहना से लखपति बहना, कई तरह की चीजें कर होनी है। इसलिए दत्त चित्त होके अपन उस काम में लगेंगे। अपनी पूरी विधानसभा का विकास अभी भी अद्भुत हुआ है, ये विकास का महायज्ञ आगे भी बढ़ेगा और जनता के कल्याण का महायज्ञ भी आगे बढ़ेगा। हम सब इस विजय को विनम्रता के साथ स्वीकार करें और ये संकल्प लें अपने अपने गांव की, अपने अपने पोलिंग की, अपनी अपनी जनता की, मिलकर बेहतर सेवा करेंगे ताकि जनता को सदैव गर्व हो कि हमारा भाई हो तो ऐसा, कार्यकर्ता हो तो ऐसे, जो सुख और दुख में सदैव हमारा साथ देते हैं। तो अद्भुत तरीके से हम अपने परिवार को चलाएंगे। आप सबको फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं को निष्कपट और निश्चल कार्यकर्ताओं जिन्हें दिन और रात एक करी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आगे भी हम ये